यहाँ ऐसे सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो, ये गए। आज हमने सारा सामान बाहर निकाला है अपने रूम का। ये सारा मैं तो दो रोटी खाता हूँ, थोड़ा सा इतना सा चावल खाता हूँ। अच्छा, साथ में खाएंगे तुम और मैं। ओके हाँ। मैं सारे कपड़े निकाल रखे हैं आज, गद्दे वद्दे सब निकाले हैं मैंने अपने, क्योंकि अभी मैं कपड़े धो के आ रही हूँ, क्योंकि हम अपने रूम में कुछ करवा रहे हैं, इधर साइड सीलन हो रही है ना, इस वजह से। तो आपको बाद में दिखाऊंगी मैं, ये डांस कर रहे हैं आगे। करो करो, एक बार और कर दो प्लीज, करो। गाने लगाए हैं और डांस कर रहे हैं मस्त। ये देखो, ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। बस थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। हंसना देखो इनका। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं, मतलब कि पार्लर जा रही हूँ, क्योंकि अब करवा चौथ आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा बहुत हल्की फुल्की थ्रेडिंग करवानी है बस, और तो मैं कुछ नहीं करवाती हूँ। और थोड़े से बाल कटवाने हैं मुझे, हल्के हल्के नीचे से, बस हो गया। तो क्योंकि थोड़े बहुत पतले हो गए हैं ना नीचे से, इसलिए तो वो कटवाने हैं, बस हो गया। बराबर करने हैं बाल अपने बस। तो देखो क्या क्या खरीदते हैं, और थोड़ा पूजा का सामान भी लाना है करवा चौथ के लिए बस। और शॉपिंग तो मेरी हो चुकी है, अब इनके लिए देखो क्या 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 चाहिए आपको। वो चाहिए ही तो होगा ही, मन में होगा ही, तो देखते हैं फिर हम। ठीक है चलो। इन भाई साहब को देखो, ये दिन भर गाड़ी साफ करने में हुए, दिन भर ये गाड़ी कितनी बार साफ़ हो गई होगी, और जबकि आज इसकी सर्विसिंग भी हुई है, फिर भी इन्होंने ये साफ़ करनी हुई ना। तो अच्छा लगता है यार, अपनी चीज़ें अच्छी से साफ हो। और जूते में एक भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, देखो ये बिल्कुल साफ होंगे इनके जूते। और हमारे तो डिसिप्लिन बेटा, डिसिप्लिन बोलता है इसको। ये इतना गंदा लग रखा है मेरी चप्पल में, इनको पता नहीं क्या हो रहती है गेतुरी इनको। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग। चले चलो चलो चलो, आज मौसम भी ठंडा हो रहा है, ये हवा चल रही है। आपको तो इतनी कड़क ठंडी में भी ठंडा नहीं लगता, ये मौसम ऐसा हो रहा है आज। हम लोग आ गए थे मार्केट से, और हमारे घर पे आ गए हैं काम वाले, और मेरे पतिदेव मुझसे गुस्सा हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं दिखाती हूँ हमारे घर पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, हिमांशु की आज तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं भी आ गई थी पार्लर से, बस थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह करनी थी, हो गया और कुछ नहीं। तो अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह भी बनाते हैं। आजकल बहुत ठंडा होने लग गया यार, बहुत ज़्यादा, इतना जाड़ा हुआ ना अभी मेरे को आते टाइम, क्या बताऊँ। मैं जैकेट पहन ली, अभी दिखाती हूँ आपको हमारे घर में क्या काम चल रहा है। सीलन हो रही है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम पीवीसी लगवा रहे हैं बस, इस और इस वाली वॉल पे। यहाँ पे आ चुके हैं गीता देवी, एक वॉल हो चुकी है, ये देखो दूसरी हो रही है। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और आज का व्लॉग बहुत छोटा बना, तो इस वजह से थोड़ा सा बना है फिर व्लॉग, क्योंकि मार्केट का काम भी था और घर का काम भी था, इस वजह से थोड़ा घर में आज हमारे वाले रूम पे, और हमसे मतलब जो हमारा बैठक रूम है उसमें हम लोग पीवीसी करा रहे हैं ना, क्योंकि और कमरे तो सारे ठीक हैं, लेकिन यहाँ की 2-3 दीवार हैं जो वहाँ पे
बहुत सी सीलन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमने पीवीसी करा ली और तो अब अच्छा लग रहा है रूम, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो फिनिशिंग जब होगी वो मैं कल दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और ये हैं मेरे पति देव, इन हरिओन रिसारियोन आज इन कला रिसा रहा पागल है। अभी अभी कैमरे के सामने तो ये क्या बोलते हैं ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसा भी नहीं कैमरा बंद कर रही हूँ तो मुंह फुला दे रहे हैं। क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ अब अपने पति देव को, इन मान्या नाव है, रो भी नहीं सकती हूँ, रोके तो फिर और डांट पड़ती है। यहाँ बात ये है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, पागल हूँ। हाँ तो माफी मांगो फिर। ओ, मैं क्यों मांगू माफी, पागल बढ़िया ही माफी है ना, गलती हमारी हो चाहे इनकी हो, माफी तो इन्होंने ही मांगनी पड़ेगी। चलो सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो, प्लीज प्लीज ना सॉरी बोलो प्लीज। ऐसा होता है क्या? प्लीज मैं जोर से चिमटी काट दूंगी, जल्दी प्लीज बोलो जल्दी। क्यों क्यों फिर मैं क्यों बोलो सॉरी पहले? तुम गुस्सा क्यों थे मेरे से फालतू? तो काम ही ऐसे करती, मैंने क्या काम किया बताओ ना, नहीं बताओ फिर ना भाई, काम ही ऐसे ना मिल की कॉर्ड से की कॉर्ड से मिली हो बता पहले, की कॉर्ड से जल्दी बता, कुछ नहीं है तो बोलो। तो गुस्सा क्यों थे तुम? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रीजन बताओ ना, रीजन क्या रीजन होता है पता है इनका गुस्सा होने का, क्या रीजन होता है बता, देख बताओ तुम ही बताओ क्या था रीजन, मैं तो भूल गई, मैं गुस्सा भी नहीं होती हूँ, मैं फिर भूल भी जाती हूँ। 10 ओवर 1.7 के व्यूज, ओ माय गॉड, अच्छे मेरे आंसर बहुत पॉपुलर हो गई है कुछ भी वैसी बात तो है, क्योंकि पहले बोर हो जाते हैं ना सब लोग, ये आते हैं तो मेरी थोड़ा ऑडियंस मेरे को देखना पसंद करती है शायद, और सबके में होता है वो, ऐसा नहीं है कि हमारे में ही होता है, ले लिया फोन मुझसे। तो गाइस वॉल नहीं दिखाई, ये वॉल नहीं दिखाई, ये वॉल मत दिखाना, ये मेरे को बोलने नहीं देती, ये मेरे को ना ये मेरे को बोलने नहीं देती। और तो पता है आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू सो मच जो आपने मतलब पीनी है काली जीभ लग जो आपने मतलब इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाते हो ना, उसके लिए बहुत सारा बहुत ज़्यादा बहुत ही इतना वाला। अब घर आओ कभी तब दिखाएंगे हम आप लोगों को अपना प्यार, मतलब कि आपके लिए, और बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ठीक ये सब सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बस अब कुछ टाइम और बचा है, बस आने वाला है तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। ये गिफ्ट मिल गया है, अब ये गिफ्ट और मिलेगा, अब ये तो मेरे को कुछ देगी नहीं मुझे पता। देखो आज मार्केट गए थे हम, ठीक है, मैं अपना आधा काम करके आई हूँ, आप लोगों को पता है मैं पार्लर गई थी, मेरा काम ही नहीं हुआ वहाँ। अरे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए बस, मैंने इनसे बोला क्या चाहिए आपको, इतनी अच्छी बीवी मिल गई और क्या चाहिए, क्यों? अरे वाह वाह देख रहा वाह बढ़ जाएंगे मेरे तो छोटी थोड़ी थोड़ी वॉल दिखाइए, दिखा दिए फिर मैं ऐसे ही करके कामों में बिजी पड़े हैं यार, अब थोड़ा 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 कुछ दिन आओ और उसमें भी घर के कामों में लगे रहो। सही बात, फिर तो बहुत सारे काम पेंडिंग है बहुत ज्यादा, अभी बस दादा को भी छुट्टी नहीं मिलती है, इनको भी नहीं मिलती है, फिर ऐसे ही रह जाते हैं सारे काम। अब एक जेंट्स का होना बहुत जरूरी है ना घर के कामों के लिए, ऐसा है बिल्कुल। तभी तो आज के टाइम से दादा और यही कर सकते हैं ये काम, हम भागा दौड़ी कर नहीं सकते इधर, और हमको कुछ पता भी नहीं है यहाँ का चंपावत में कि कहाँ गया है कहाँ गया है, तो इस वजह से रुकना पड़ता है। तो आपको मैं इससे अगले से अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि इन्होंने मुझे अभी क्या गिफ्ट किया है और अब क्या गिफ्ट मिलने वाला है। अब परसों तो करवा चौथ हो जाएगा, तो फिर परसों एक बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, मस्त मस्त व्लॉग, और निया के लिए कुछ सरप्राइज भी रख रखा है जो इसको बहुत पसंद है, मतलब अब बताएंगे नहीं, अभी नहीं बताएंगे, अभी सरप्राइज ही रहने देते हैं, मुझे भी नहीं पता है, पता नहीं क्या नहीं तो रात भर ये परेशान करेगी और कुछ बता दो करके तो ठीक है फिर, तो मिलिए अपनी निया और जोशी व्लॉग तो ठीक है फिर यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।